ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। झालावाड़ से ये बड़ी खबर, बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचला। टपरी के बाहर सो रहे थे ये सभी लोग। मृतकों में महिला पुरुष सहित 3 बच्चे शामिल हैं। 3 धार मंडावर रोड पर बड़बेला गांव के पास का ये हादसा। सभी मृतकों के शवों को रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंडावर थाना क्षेत्र का मामला है, डंपर चालक मौके से फरार है। तो ये एक दुखद दर्दनाक खबर झालावाड़ से, जहां बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचला है। टपरी के बाहर ये सभी लोग सो रहे थे। मृतकों में महिला पुरुष सहित 3 बच्चे शामिल हैं। 3 धार मंडावर रोड पर बड़बेला गांव के पास ये हादसा हुआ। सभी मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मंडावर थाना क्षेत्र का ये मामला है और डंपर चालक फिलहाल मौके से फरार है। तो डंपर चालक मौके से फरार चल रहा है, और ये हादसा कितने बजे हुआ और किस तरह से, क्या स्थिति रही, क्या डंपर जो है वो बेकाबू हो गया, क्या डंपर चालक ड्रंक था, किस तरह से ये हादसा हुआ, इस सभी की तहकीकात पुलिस कर रही है। लेकिन बेकाबू होने के बाद ये डंपर जिसने 5 लोगों को कुचला है, आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से ये बेकाबू हो गया, और क्योंकि डंपर चालक फिलहाल फरार है तो उसको ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ सहयोगी आरिफ मंसूरी जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या पूरी जानकारी है फिलहाल, क्या डंपर चालक को पकड़ा गया है? देखिए, झालावाड़ जिले का सबसे बड़ा हादसा था, जहाँ एक डंपर ने एक गरीब दंपति जो मजदूर परिवार था उसको परिवार में कुचल दिया। देर रात की घटना बताई जा रही है। चाहे तेज गति से आते डंपर ने एक परिवार जो सड़क किनारे सो रहा था मंडावर थाना क्षेत्र के बड़बेली गांव के नजदीक, वो डंपर ने उनको लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे 5 लोगों की मौत हो गई, पर साथ ही पास में 2 सो रहे उनके छोटे 2 बच्चे थे, वो बाल बाल बच गए। कहते थे तो बड़ा दर्दनाक हादसा था, और मौके पर डंपर चलने में 5 लोगों को कुचल दिया है, 2 लोग बच गए हैं इसमें है। और मौके से डंपर चालक का जो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मंडावर पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को अपने कब्जे में लिया और मंडावर थाना में लेकर पहुंचे हैं। लेकिन ड्राइवर का पता भी अभी तक पता नहीं चला। सारे ही मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू ने निर्देश दिए हैं, और डंपर के जो चालक है उसको गिरफ्तार करने की बात कही है। साथ ही बता दें आपको, सभी को शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जिनका पोस्टमार्टम चल रहा है। जी आरिफ, क्या ये सभी लोग झालावाड़ से थे, ये परिवार जो था झालावाड़ से ही था, या बाहर से कहीं मजदूरी करने आया हुआ था? मेगा, ये परिवार है जो मजदूर गरीब लोग होते हैं जो मजदूरी करने के लिए आते हैं। घाटोरी क्षेत्र का बताया जा रहा है, प्रमर्तक का जो परिवार है जो मजदूरी के लिए झालावाड़ जिले का आसपास क्षेत्र में आया करते हैं। बड़े संख्या में लोग आते हैं जो बच्चे बच्ची को साथ लेकर आते हैं। तो रात को जब इनको सोने के कोई ठिकाना नहीं होता है, सड़क किनारे जिस गाँव में मजदूरी करते हैं वही गाँव के बाहर ही झोपड़े में, जबकि झोपड़े में सड़क किनारे सोते रहते हैं। जब परिवार पूरे 7 लोग सो रहे थे तो 5 लोग की हादसे में मौत हो गई, तो छोटे छोटे बच्चे हादसे में बचे हैं। जी, और आरिफ, क्योंकि ये डंपर चालक फरार है, बेकाबू डंपर हो गया था, कोई कारण या कोई वजह अभी सामने आई है? क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी और जो 2 लोग सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे, और उनके साथ जो सो रहे थे, उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी दी? हालांकि सब नींद में थे, अचानक ये हादसा हुआ, तो बच्चों भी इस मामले में हादसा उस सदमे से उभर नहीं पाए और कुछ भी बोलने तभी थोड़ा सदमे में है। कह सकते हैं बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचला है, 2 बच्चे बचे हैं, लेकिन कारण का पता नहीं चलेगा। बेकाबू का भी तेज गति से ट्रक आया जा रहा बता रहा था, डंपर आया जा रहा था, लेकिन इस हादसे का गवाह 2 ही बच्चे हैं जो अभी स्थिति में नहीं है कुछ बात कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ पूरी जानकारी के लिए। ये लेकिन दर्दनाक हादसा, और ये 2 बच्चे जो हम आपको दिखा रहे हैं जो वहीं सो रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही, भगवान का शुक्र ये रहा कि ये 2 बच्चे बच गए, लेकिन वो 5 लोग जो साथ में और सो रहे थे, उन लोगों को बेकाबू डंपर ने कुचल दिया।